So very good afternoon, friends. We are into the next part of your unit number 2, which is regarding the construction of the sewer appurtenances. Yesterday we have seen how to mark out the line. Marking of the line is very important process or important part of the construction of sewer. Okay, it is not simply marking the line on the ground of the sewer line or the gutter line, है ना. छोटा भी लाइन पाइप रहे या बड़ा भी पाइप ले, सीवर का काम बहुत इंपॉर्टेंट. तो वो मार्किंग लाइन में सब प्लानिंग आ गया. उसके बाद में एक्सकवेशन हमने देखा, एक्सकवेशन ऑफ द ट्रेंचेस फॉर लेइंग द सीवर्स. उसके बाद में हमने देखा कि बेडिंग ऑफ द कॉन्क्रीट टू बी गिवन टू द सीवर लाइन. देन वी हैव सीन how to lay laying of the pipeline with the help of laying. कैसा करेंगे? Manually करेंगे लेबर से या कोई क्रेन वेन यूज करके करेंगे with the use of the machinery. That laying is very important. Laying is important from again from two aspects. The first aspect is regarding the line or the alignment of the pipeline, straightness, or if it is in curve, प्रॉपर कर्व अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री. सर्वे में आप पढ़ते हो, सर्वे 2 में. एंड देन लेटर ऑन जॉइनिंग, जॉइंटिंग द पाइप्स विद द वेरियस टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स गिवन टू द पाइप. वो पाइप को किस प्रकार से जॉइंट दिए है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट यदि प्रॉपर नहीं हुआ, उसका क्यूरिंग प्रॉपर नहीं हुआ और लीक प्रूफ नहीं हुए, तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर. उसमें से पाइप में से सीवेज बाहर लीक होगा और बाहर लीक हो जाने के बाद में जनरली उसमें पानी रहता है, तो इट फाइंड्स द पाथ थ्रू द सॉइल पोर्स एंड मे रीच द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स एंड मे पोल्यूट द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स. सो देयरफॉर दैट लीक प्रूफ जॉइंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज सम स्टॉर्म वाटर विच हैज इनफिल्ट्रेटेड इन टू द ग्राउंड or the groundwater table if it is above the pipeline, that may enter into the pipe and may increase the discharge through the pipe to which for which the pipe is not designed, as we learnt in our first lecture, the first unit, design of the pipes. So that jointing we have learnt, or we have given emphasis on that. Then we learned about how to check the leakages of the joints or leak proof joint, how they should be provided or how they should be checked. Also in the next part we discussed about the checking the straightness of the sewer line or the gutter line. Seedhi kaisi rehna chahiye, hai na. Choti choti cheeze hai, aapko aisa lagta hoga ki these are very minor points. But from experience, I tell you, if we inculcate at this level, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इस समय में आपने इसका importance अपने अंदर बैठा लिया, पक्का कर लिया, तो आपको जब आप काम करेंगे, execute करेंगे या किसी से करवा लेंगे, तो आप में ये जागरूकता रहेगी कि अरे सर ने ये बोला था, ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे चेक करना है, तो ही आगे में जाना है, तो आपको फ्यूचर में कभी तकलीफ नहीं होगी. यू विल बी सक्सेसफुल इंजीनियर. चलो, विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल एक्टिविटी विच इज, बट दो इट अपीयर्स दैट इट इज अ सिंपल एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दैट इज द बैक फिलिंग द ट्रेंचेस. है ना, ऐसा लगता है कि हमने अभी मार्किंग लाइन मार्क किया, खड्डे बनाए, पाइप डाला, सब चेकिंग वेकिंग किया, मस्त काम हो गया, कोई कहीं लीकेज वगैरह कुछ नहीं है, सीधे लाइन में ग्रेडियंट भी है. अब चलो जो गड्ढे है उसको माटी से भर डालते हैं, दैट फिलिंग दैट सीवर लाइन विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल सॉइल और सॉइल फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एज द बैक फिलिंग. But that backfilling is also important. It is
इट शुड नॉट बी टेकन सो इजीली, क्योंकि बैक फिलिंग करने के बाद में वो पाइप के ऊपर से कहीं रोड जाता है या कहीं बाद में और कोई एनी अदर टाइप ऑफ द ट्रैफिक इज देयर. वो इफ वी डोंट बैक फिल प्रॉपरली एंड इफ वी डोंट कॉम्पैक्ट इट प्रॉपरली, दैट सॉइल विल सेटल डाउन और वहां पे एक ऐसा खचका तैयार होगा परमानेंट. आप रोड में हरदम देखते हैं ऐसा ही होता है. वो बैक फिलिंग निग्लिजेंस होता है एंड द एक्सकवेशन दैट हैज बीन डन फॉर द लेइंग ऑफ द पाइपलाइन, देयर यू विल डेफिनेटली फाइंड ए पिट और ए स्मॉल डग होल एंड विच रेगुलरली अफेक्ट्स अवर ट्रैफिक. आपने नागपुर में भी देखा होगा या आपके गांव में बहुत जगह पे पाइपलाइन डालते हैं और जो गड्ढा है उसको बाद में प्रॉपरली बैकफिल नहीं करते, उसको कॉम्पैक्ट नहीं करते, उसको टारिंग नहीं करते और वहां पे एक तो नीचे खड्डा रहता है नहीं तो ऊपर में ऐसा हम्प रहता है. लोगों को तकलीफ होती है, आते जाने वालों को, गाड़ी वालों को तकलीफ होते हैं. सम सीनियर सिटीजन लाइक मी, दे फील इट्स पेन इन देयर बैक, बैक पेन चालू होता है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होता है. सो दिस इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट. सो आफ्टर द सीवर लाइन हैज बीन लेड एंड टेस्टेड, द ट्रेंचेस आर बैकफील्ड, द अर्थ शुड बी लेड इक्वली ऑन आइदर साइड विद अ लेयर ऑफ 15 सेंटीमीटर थिकनेस. यानी ये बैकफिल करेंगे 15-15 सेंटीमीटर थिकनेस के सॉइल से डालेंगे, उसको वाटरिंग करेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे. ईच लेयर शुड बी प्रॉपरली वाटर एंड रैम्ड, दैट इज द कॉम्पैक्टेड. ये यहाँ पे राइट साइड फोटो में आपको दिख रहा होगा, रैमिंग, एक कॉम्पैक्टर रहता है उसको रैमर करके बोलते हैं. उसको वाटरिंग करना करना है, रैमिंग करना है प्रॉपर कॉम्पैक्शन, ठीक है. तो बैकफिल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट हैव सीन इन द नागपुर एज वेल एज इन यूर सिटीज दैट लॉट ऑफ द पाइप्स और द सीवर लाइन, ड्रिंकिंग वाटर लाइन, ऑल दीज पाइप्स आर लेड एंड देन लेटर ऑन द बैक फिलिंग ऑपरेशन इज नॉट डन प्रॉपरली, बैक फिलिंग प्रोसेस इज नॉट डन प्रॉपरली एंड देन वी गेट द इनकन्वीनियंस आइदर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पिट्स ऑन द रोड और ए हम्प, स्पीड ब्रेकर जैसा हम्प हो जाता है. यानी वो गड्ढे में से हमको स्कूटर, स्कूटी, साइकिल से जाना पड़ता है. अंधेरे में पैदल जाने वाला उसमें गिर भी सकता है, बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं. या हम्प है वो दिखता नहीं है, स्पीड ब्रेकर टाइप है तो उसके ऊपर से एक्सीडेंट होते हैं. सो द केयर नीडेड टू बी टेकन फॉर द बैक फिलिंग एंड प्रॉपर लेवलिंग ऑल्सो. नाउ दे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is various types of the sewers we use. We use the sewers of the concrete, we use the sewers of the cast iron, of the steel, of the asbestos. Various types of the sewers we will be learning in our next two three slides. So while and the, these sewers are used to carry the sewage, मे बी ए डोमेस्टिक सीवेज, मे बी ए इंडस्ट्रियल सीवेज और द स्टॉर्म सीवेज, एंड दिस सीवेज कंटेन्स सर्टन केमिकल्स एंड दोज केमिकल्स मे बी ऑर्गेनिक केमिकल, मे बी इनऑर्गेनिक केमिकल, दे एफेक्ट द सीवर मटेरियल इन वन वे और अदर. आइदर दे एफेक्ट केमिकली एज वेल एज दे एफेक्ट फिजिकली due to the movement of those sewage material and it creates friction and they also may erode the material of the sewer as well as chemically also they may affect due to the presence of certain chemicals into that sewage. So therefore how the sewer material or how the sewers should be exactly, so therefore there are certain important factors for selecting the material for sewer. First is they should be resistant to corrosion. The sewer material of which we are constructing or we are providing the sewers may be concrete, may be steel, may be brick, may be masonry.
सो दे शुड बी रेजिस्टेंट टू द करोजन बिकॉज द सीवर कैरीज द वेस्ट वाटर विच रिलीजेस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड दिस हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर क्रिएट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड करोड्स द रीइन्फोर्समेंट विच इज देयर इन टू द सीवर पाइपलाइन इन टू द गडर गडर लाइन. सो सो दिस नॉट टू हैपन देयर फोर वी नीड टू हैव दैट मटेरियल विच विल नॉट अलाउ दिस H2SO4 which is produced due to H2S to reach to the reinforcement. So therefore, resistance to corrosion is one of the important property that is needed from the sewer material. Resistance to abrasion. Abrasion yani ghasai. Hindi mein hum ghasai bolte hai. So sewage contains considerable amount of the suspended solids or the part moving at high velocity. Na, sewage mein kya hai? कि इट नॉट ओनली कंटेन्स द ऑर्गेनिक मटेरियल बट सर्टन इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द सैंड्स पेबल्स एग्रीगेट्स सम ग्लास बॉटल्स. सो दिस मटेरियल अलॉन्ग विद द फ्लोइंग सीवेज विच हैज गॉट दैट फ्लो हैज गॉट सर्टन वेलोसिटी सो इट हैज गॉट ए फ्रिक्शन विद द वॉल्स ऑफ द सीवर and this friction may erode erosion will take place at the friction point of the sewage material and the sewer material which will result into abrasion and this abrasion will remove the material of the sewer and may reduce the thickness of the pipe also due to the roughness created by the abrasion the hydraulic efficiency or smoothness of the flow through the sewer will also get affected and the velocity will also decrease and ultimately all the problems will increase velocity decrease silting choking of the pipe again abrasion so the material should be as much as abrasion free strength and durability that is the material of the sewer must have strength because after the backfilling is done there may be traffic over these pipes the traffic may be IRC class A loading to any type of the loading and some load will be transferred on these pipes so these pipes must be self sufficient to take that load it should not buckle it should not get crushed it should withstand without the failure so isliye strength and durability or durability yani kya ki for the years together because we are expending lakhs and crores of the money on the construction of these pipes so therefore material should be durable should have sufficient resistance against weathering etc weight of the material is also important factor because we are transporting these sewer line from one place to another if they are too heavy then it is difficult to transfer to lay to join it so therefore material selected for the sewer should have less specific weight which will make pipe light in weight and lightweight pipes are easy for handling and transport इम्परवियसनेस लीक प्रूफ रहना चाहिए वो द टू एलिमेट चांसेस ऑफ द सीपेज इकोनॉमी एंड कॉस्ट सीवर शुड बी लेस कॉस्टली टू मेक सीवेज सीम इकोनॉमिकल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इकोनॉमी एंड कॉस्ट एंड हाइड्रोलिकली एफिशियंट अगेन हाइड्रोलिकली एफिशियंट मीन्स यू मस्ट हैव दैट रुगोसिटी कोएफिशिएंट एन शुड बी एज लेस एज पॉसिबल so the rugosity coefficient n as small smooth will be interior surface as well as the pipe should have means as we go for the circular section so there will be no corners etc hai na if we go other than circular section there may be corners and again the chances of the silting
सो अगेन विद द हेल्प ऑफ सर्टन फोटोग्राफ्स एंड स्केचेस वी कैन सी हाउ द नेटवर्क ऑफ द सीवर लाइन इज लेड. ओके, आई ऑलवेज ट्राई दैट यू शुड हैव दैट विजुअलाइजेशन, हाउ द हाउस लाइन, हाउ द सब मेन लाइन, व्हाट आर द मेन लाइन्स, ऑल दोज लाइन्स यू कैन, व्हाट आर द ट्रंक लाइन्स, ऑल दोज लाइन्स यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू ऑल दिस फोटोग्राफ्स. Now the various materials that are used for the sewers are the asbestos cement sewers, plain cement concrete or reinforcement cement concrete sewers, vitrified clay or stoneware sewers, brick sewer, cast iron sewers, steel pipes, ductile iron, plastic sewers, PVC pipes, high density polyethylene HDPE pipes, glass fiber reinforced and lead sewers. Sometimes it is as a small note comes in exam. Either the individual type of the sewer out of those 11 sewers, or they may ask you the various types of the materials for sewers. So in this you should be able to answer. Though I have given here also in your notes very detailed, you should convert it to small or in short. The first is the asbestos cement sewers. They are manufactured from the mixture of asbestos fibers, silica and cement. And silica means sand or the pebbles, aggregates, etc. So asbestos, sand and cement, the mixture is produced and it is casted into certain formwork to get these circular pipes, which are called as the asbestos pipes. They are, as I have told, they are thoroughly mixed. The asbestos fibers are used. The generally the pipe diameter is 10 centimeters to 100 centimeters. Internal diameter, length up to 4 meters. Why such? Because these are used for the vertical transport of water generally. So they should be small in length. As they are made up of the asbestos fiber, their weight is also less as compared to others, other pipe. Assembled without skilled labor, resistance to corrosion, and the joints are flexible for the curved laying. Its advantages: light in weight, easy to carry transport, easy to cut, interior smooth, rugosity coefficient very less, 0.011. Excellent hydraulically efficient. The disadvantages are structurally not very strong, susceptible to corrosion by sulfuric acid when bacteria produces H2S etc. and H2SO4. These are the advantages and disadvantages of the asbestos pipe. Due to availability of the time, we have to move a bit fast. Plain cement concrete or reinforced concrete. Generally, it is 1 and 1.5:3. That is M20 to M25 grade concrete is used. They are available up to 0.45 meter and reinforcement cement pipe, RCC. They are up to 1.8 meter dia. Nowadays, bigger dia pipes are also available, more than 1.8 meter. Cast in situ, they can be casted in site, at site. All precast pipes are also available. In these pipes, single cage reinforced pipes, double cage reinforced, elliptical cage reinforced are the various types available. Means the reinforcement that has been put inside the pipe, either it is singly reinforced, you can say single cage, or two cages, inner and outer, they are called as the double cage, or to improve its structural capacity, elliptical cage reinforced pipes are also there. Certain pipes called as the Hume pipes, again they are bigger diameter pipes with steel shells. They are casted in the steel shells or steel formats along on the inner side and outer side of the reinforcement. Those Hume pipes called as
कोटेड विथ कॉन्क्रीट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड विथ नॉमिनल लॉन्जिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट ऑफ 0.25% इज प्रोवाइडेड ओनली डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर सब्जेक्टेड टू दोज पाइप्स. दीज ह्यूम पाइप्स आर जनरली यूज इन टू द कैनॉल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा. ओके दे आर ऑल्सो ऑल्सो फॉर द हाईवेज ऑल्सो दीज आर यूज बट अगेन देर आर certain specifications on in which we will not just go into detail just now. IRC specifications are there, IRC Indian Road Congress. Now the advantages of concrete pipe are strong in tension as well as compression. They are erosion abrasion resistant. They can be made of any strength, can be easily molded, can be in situ or precast, economical, available in wide range of the size, and the trench can be opened and backfilled rapidly during maintenance of the sewers. That is the advantage. Disadvantage again, this concrete is susceptible and get the reinforcement may get corroded due to the H2SO4 that has been produced due to the formation of the hydrogen sulfide H2S. Due to that corrosion, the carrying capacity and the life of the pipe may reduce. There are chances of erosion from inside the pipe due to the carriage of silt and grit through the sewage. Now we will move on to the next type of the pipe, that is the vitrified clay or stoneware sewers. I have the guarantee that you all have seen all types of the pipes somewhere or other in your experience, in your life, you can say. So these are the vitrified pipes. Vitrified tiles bhi rehti hai. The vitrified pipes are used for house connection as well as lateral sewers. Only disadvantage is they are very good. They are very good hydraulically structured, but they are very heavy. So connections as lateral sewers 5 to 30 centimeter internal diameter. You can see the diameter is very less because the casting process etc. it's very complicated. Length 0.9 to 1.2 meter. Bail and spigot joints se isko join karte hai. They are resistant to corrosion. Advantages abhi hence fit for carrying polluted water such as sewage. Interior surface smooth. Rugosity coefficient less. Hydraulical efficient. Impervious है, strong in compression, durability and economical है, does not absorb water. Disadvantage है, heavy, bulky, brittle. एक बार टूट गया तो इसको कोई दुरुस्त नहीं कर सकता. Hence difficult to transport. Cannot be used as pressure pipes because they are weak in tension. They require large number of the joints, being small in length. Then there are brick sewers. You must have learned somewhere or others in the olden days the sewer. Nowadays also to the big size sewers, conduits, as you can see in the photograph, the sewers are made up of the bricks used for construction of the large size combined sewer or particularly for the storm water drains, plastered from outside to avoid entry of tree roots etc. And from inside, either they are lined with the concrete or stoneware or ceramic block to make them smooth and hydraulically efficient and resistant to corrosion also. Then the next type is cast iron sewers. These are also, you have seen somewhere or other, cast iron pipes made up of the cast iron. Very strong. They are capable to take any tensile load, compressive as well as bending. They are costly, used for outfall sewers. जो बाहर के हमारे outfall sewer है या जिसको हम trunk sewer बोलते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी टेंसाइल और बेंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है. तो ये पंपिंग स्टेशन में भी यूज करते हैं, इन्वर्टेड साइफन में भी यूज कर सकते हैं एंड कैन बी यूज टू कैरी द हेवी ट्रैफिक लोड ओवर इट. 100% लीक प्रूफ, less resistant to corrosion. Generally lined from inside with cement, concrete, coal, tar, paint, epoxy, etc. इसको अंदर से
करोजन फ्री वगैरह स्मूथ करने के लिए इसको कोल टार पेंट से, इपॉक्सी से, या एक आधे बार सीमेंट कंक्रीट से अंदर से लाइनिंग किया जाता है। इसका इंडियन स्टैंडर्ड 1536 1537 है, ठीक है। नाउ द स्टील पाइप्स, अगेन विथ एज द कास्ट आयरन पाइप्स, देयर आर कास्ट आयरन इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्टील, बट अनदर पाइप्स विच आर मेड अप ऑफ द प्योर स्टील आर ऑल्सो देयर। दे आर यूज अंडर वेरियस, दे आर ऑल्सो एडवांटेजेस ऑफ ऑल द कास्ट आयरन पाइप्स, दे आर एज गुड एज और दे आर बेटर देन कास्ट आयरन पाइप्स। सो वॉट एवर एडवांटेजेस द कास्ट आयरन पाइप्स आर देयर, इन एडिशन टू दोज दीज पाइप्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन लार्जर डायमीटर, सो दे कैन बी यूज टू कैरी द मोर सीवेज थ्रू इट। ओके, देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द डक्टाइल आयरन पाइप्स, यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, अगेन दे आर यूज फॉर द सीवर्स, हैव हायर कैपेसिटी टू विथस्टैंड वाटर हैमर, एंड द स्पेसिफिकेशंस आर दिस 12,288 इंडियन स्टैंडर्ड, मेड अप ऑफ द डक्टाइल आयरन, स्पिरिट आयोडाइज्ड ग्राफाइट कास्ट आयरन, इंटरनली आर कोटेड विथ सीमेंट मॉर्टर और सम पॉलीइथिलीन मटेरियल, पॉली रैप और प्लास्टिक बैगिंग एक्सेट्रा। अगेन दिस इज द इट्स लाइफ इज मोर एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर बेटर देन अदर पाइप्स। सो नाउ डेज फॉर कैरिंग द ह्यूज क्वांटिटी और फॉर द सिटी और द लार्जर सिटी सीवेज वी कैन यूज दिस। प्लास्टिक सीवर्स आर देयर राइट साइड, यू कैन सी फोटोग्राफ्स, नाउ डेज द डेज आर ऑफ द प्लास्टिक अनफॉर्चुनेटली, पीवीसी प्लास्टिक विच इज एक्चुअली बायोडिग्रेड नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये एक बार बनाने के बाद में सिर्फ, अभी इसकी यूजेस क्या है कि इसके बाकी स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, लाइट है और लाइफ भी अच्छा है। सो यूज फॉर द सीवर पाइपलाइन फॉर इंटरनल ड्रेनेज वर्क इन हाउस, अवेलेबल फ्रॉम 75 to 315 mm, इकोनॉमिकल इन लेइंग जॉइंटिंग एंड मेंटेनेंस, एंड टफ एंड रिजिड फैब्रिकेशन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और पाइप आते हैं नाउवेडेज, दे आर कॉल्ड एज द एचडीपीई और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप, अगेन मेड अप ऑफ सर्टन पॉली प्लास्टिक्स, दे आर कॉल्ड एज द पॉलीइथिलीन प्लास्टिक, सर्टन ऑर्गेनिक डिफरेंट मटेरियल, अगेन दे हैव द एडवांटेजेस ऑफ द पीवीसी पाइप, ओनली मोर एडवांटेजेस दे आर अवेलेबल इन लार्जर डायमीटर ऑल्सो। पीवीसी पाइप्स हैज गॉट द लिमिटेशन अप टू 30 to 40 mm, दीज आर अवेलेबल इन मोर देन दिस, देयर फॉर इट्स आई एस इज ऑल्सो 4984 मेंशन्ड। Nowadays there are again advanced pipes called as the glass fiber reinforced plastic pipe. है ना, आजकल आपको फाइबर रीइंफोर्समेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस फाइबर रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द इट्स टेंसाइल प्रॉपर्टी, इट्स हुप कैरेक्टरिस्टिक्स, हुप स्ट्रेस। सो widely used where corrosion resistant pipes are required, used as a lining material for conventional pipe, fiber reinforced pipe, high corrosion resistant, low density, high tensile strength, better load carrying capacity, durability, all these are the advantages are these of this pipe, but it is bit costly. So glass fiber reinforced pipe definitely is very good. It has we these are available in larger diameter also and of larger length also. So length more, so speed of construction will be more, more diameter. So all this will add to overall construction speed, economy, hydraulics, and all point of so glass fiber pipe. Then there are in olden days. And also for certain typical type of the sewage, some certain industrial sewage, there are pipes, they are called as the, they are made up of the lead sewers. They are smooth, soft, and can take odd shape. This pipe has ability to resist sulfide corrosion, but they are very costly and they are used in house connection if we can
बेयर द कॉस्ट ऑफ दोस पाइप्स, ठीक है। तो ये लेड्स पाइप ये भी रहते हैं। अब हम आगे में जाते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल बी लर्निंग अबाउट द सीवर अपर्टेनेंसेस। ओके, अगेन आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू आर होल्डिंग द नोटबुक विथ यू। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, है ना। सिर्फ कान से सुनना ये एक अच्छी बात है, और पूरे ख्याल दे के सुनिए ये भी मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन एक आधा नोटबुक साथ में रहा तो ये सब चीजें मैं जो कुछ एडिशनल बोलता हूँ, कुछ वर्ड्स यूज करता हूँ, यू शुड बी एबल टू नोट डाउन। नहीं सेंटेंस नोट किए तो चलता है, लेकिन सम वर्ड्स, एंड दैट विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड इंक्रीज हाउ टू राइट द आंसर्स, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। आपकी वोकैबुलरी अच्छी रही, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, तो ये आपकी ही कीमत आगे में बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता हूँ, कुछ सेंटेंसेस, दोस एड दे आर एड लाइक द एडजेक्टिव्स टू दैट पार्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है। चलो आगे में चलते हैं। सीवर अपर्टेनेंसेस, AppurtenanceS, अपर्टेनेंसेस। इसका वो एक्चुअल मतलब होता है कि एक आधा मेन कंपोनेंट जो है, जैसे सीवर लाइन है, तो इसमें बहुत सारे छोटे मोटे और कोई स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसको अपर्टेनेंसेस करके बोलते हैं। ये अपर्टेनेंसेस ये सिर्फ सीवर लाइन में ही नहीं रहते, अपन बिल्डिंग के भी अपर्टेनेंसेस बोल सकते हैं। एक आधा कंप्यूटर है तो उसके भी अपर्टेनेंसेस है, छोटे 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 जो हार्डवेयर रहते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, यू कैन कॉल दोज एज द अपर्टेनेंसेस। रोड के अपर्टेनेंसेस हो सकते हैं। सो अपर्टेनेंसेस का ऐसा जनरल मीनिंग है। सो नाउ वी आर एज वी आर डीलिंग विद द सीवर अपर्टेनेंसेस, दे आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल्स अलॉन्ग द सीवरेज सिस्टम। अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग एम्फेसिस ऑन द सीवरेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, सीवर्स एंड सीवेज, ऑल द थ्री वर्ड्स। सो सीवरेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वेरियस सीवर्स एज वेल एज द अपर्टेनेंसेस, ओनली एक्सक्लूडिंग द आउटफॉल और द ट्रीटमेंट प्लांट अपर्टेनेंसेस, वो छोड़ के कलेक्शन कन्वेयंस ये जो पूरा है, दे आर कॉल्ड एज द सीवरेज सिस्टम। सो दे आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल्स अलॉन्ग द सीवरेज सिस्टम टू हेल्प इट्स एफिशियंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दे आर कॉल्ड एज द सीवर अपर्टेनेंसेस। दीज इंक्लूड, यू कैन लिस्ट ऑल दीज अपर्टेनेंसेस इफ यू विश, दे आर द मैन होल्स, दे आर द ड्रॉप मैन होल्स, लैंप होल्स, क्लीन आउट्स, स्ट्रीट इनलेट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द गलीज, कैच बेसिन्स, फ्लशिंग टैंक्स, ग्रीज एंड ऑयल ट्रैप्स, इनवर्टेड साइफन एंड स्टॉर्म रेगुलेटर्स, दीज आर जस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपर्टेनेंसेस। अदर देन दिस ऑल्सो देर आर सम अपर्टेनेंसेस, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन विच आर इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। एंड समटाइम्स ए नोट इज डेफिनेटली आस्क्ड ऑन आइदर ऑफ दिज अपर्टेनेंसेस। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू अवर फर्स्ट अपर्टेनेंस, दैट इज द मैन होल। एज इट हैज द नेम मैन होल, मीन्स ए होल थ्रू विच ए मैन शुड एंटर फॉर द रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द सीवर लाइन ऑफ द सीवरेज सिस्टम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द मैन होल। एंड यू मस्ट हैव सीन समवेयर और अदर ऑन द रोड्स एक्सेट्रा और एडजेसेंट टू यूर हाउस द मैन होल्स आर देयर। व्हाट आर दे? दे आर द ओपनिंग्स ऑफ आइदर सर्क्यूलर और रेक्टेंगुलर इन शेप, कंस्ट्रक्टेड ऑन अलाइनमेंट ऑफ द सीवर लाइन। सीवर लाइन में ये मैन होल दिए जाते हैं, इसको सर्क्यूलर यानी गोल या रेक्टेंगुलर यानी चौकोनी ओपनिंग हो सकता है, और ऊपर में उसको मैन होल को
कवर रहता है, एक मैन होल कवर करके बोलते हैं, वो लोहे का रहता है या कंक्रीट का रहता है ना। व्हाट फॉर दिस मैन होल इज प्रोवाइडेड? टू एनेबल ए पर्सन टू एंटर द सीवर फॉर इंस्पेक्शन। एनेबल मीन्स एबल, टू मेक द पर्सन, टू एनेबल द पर्सन मीन्स कोई भी मेंटेनेंस वाला आदमी, टू एंटर द सीवर फॉर इंस्पेक्शन। ही शुड एंटर इन टू दैट सीवर, इन टू दैट गटर लाइन, इन टू दैट ड्रेनेज लाइन फॉर इंस्पेक्शन, फॉर क्लीनिंग, फ्लशिंग। इट ऑल्सो सर्व एज द वेंटिलेटर्स फॉर सीवर्स बाय प्रोविजन्स ऑफ परफोरेटेड मैन होल कवर्स। यानी कितने काम करता है अच्छे ये मैन होल, ये अंदर जाने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए रास्ता बना देता है पाइपलाइन की, सीवर लाइन को। यदि उसमें कोई चोक वगैरह हो गया है तो उसका साफ सफाई करने में मदद करता है ये, क्लीनिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए। चोक हुआ है तो कोई फ्लश कर सकते हैं पानी छोड़ के। और अदर देन दिस, एज दिस सीवेज कंटेन्स द ऑर्गेनिक मैटर, प्यूट्रिशिएबल ऑर्गेनिक मैटर विच प्रोड्यूसेस द फाउल गैसेस, विच प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक गैसेस, सो देयरफॉर दिस गैसेस आर नीडेड टू बी रिमूव्ड थ्रू दिस सीवर लाइन, सो दैट द पर्सन एंटरिंग शुड नॉट गेट इंटॉक्सिकेटेड। उसको वो जहरी गैस से उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो मैन होल है ये वेंटिलेटर करके भी काम करता है। यदि हम ये मैन होल कवर जो है ये परफोरेटेड यानी छेद छेद ऊपर में रखेंगे तो उसमें से वो गैस निकलेगा। आपने बहुत जगह पे देखा होगा आजकल मैन होल कवर कॉन्क्रीट के रहते हैं और उसमें वो छेद रखते हैं, उसमें है ना गंदी बास थोड़ी सी आती है उसमें से कुछ मैन होल को, लेकिन उसमें से ये पोल्यूटेड गैसेस निकल जाते हैं। इट फैसिलिटेट्स लेइंग अप द सीवर लाइन इन कन्वीनियंट लेंथ। और क्या है मैन होल का उपयोग, कि हम सीवर लाइन जो डालते हैं, दैट सीवर लाइन फर्स्ट द लोकेशन ऑफ द टू मैन होल्स आर फिक्स्ड एंड बिटवीन दीज मैन होल्स द सीवर लाइन इज लेड इन द स्ट्रेट लाइन, सो देयरफॉर दीज मैन होल्स हेल्प्स और फैसिलिटेट द लेइंग ऑफ सीवर लाइन इन कन्वीनियंट लेंथ, है ना। क्योंकि हमारे को मालूम है कि सीवर लाइन स्ट्रेट रहना चाहिए या जैसी भी उसकी अलाइनमेंट है उस हिसाब से रहना चाहिए पूरे लेंथ के लिए, और उसका स्लोप भी प्रॉपर रहना चाहिए। तो मैन होल ये इसमें हमें मदद करते हैं, यदि हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं तो। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू ऑल जंक्शंस ऑफ टू और मोर सीवर्स। अब ये मैन होल सीवर लाइन में तो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन यदि दो सीवर लाइन का जंक्शन है, यानी एक ऐसे सीधे लाइन से आ रही है, दूसरी सीवर लाइन परपेंडिकुलर उसको आके मिल रही है ना, मेन लाइन है, मेन लाइन को फिर और हाउस सीवर लाइन मिल रही है, या और कहीं मेन लाइन और दूसरे ट्रंक लाइन को कनेक्ट हो रही है, ट्रंक लाइंस कुछ तो भी आउटफॉल सीवर्स को कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये दो पाइप का जहां जंक्शन है सीवर्स का, वहां पे भी हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि हम अलग अलग डायमीटर के सीवर प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द सीवर्स वी प्रोवाइड डिफरेंट डायमीटर्स। सो व्हेन एवर डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द सीवर जॉइंस टूगेदर और दैट डायमीटर चेंजेस, दे आर ऑल्सो वी प्रोवाइड द मैन होल। व्हेनेवर डायरेक्शन ऑफ द सीवर लाइन चेंजेस, है ना, बहुत बार कोई सीधी सीधी थोड़ी जाती है, सीवर लाइन की डायरेक्शन भी बदलती है, तो वहां पे भी हम देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब व्हेन द सीवर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन जॉइन टूगेदर, है ना, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक सीवर लाइन ऊपर के लेवल से बह रही होंगी, दूसरी नीचे के हिस्से होगी, तो दोनों जब मिलती है तो वहां पे भी हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं, उसको ड्रॉप मैन होल करके बोलते हैं। So regarding manhole, where these manholes are provided, these manholes are provided along the length of the sewer line at the fixed location to maintain the alignment of the, to maintain the line of the sewer line. Also these are provided at the junctions of the two or more sewers.
दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड वेन एवर डायमीटर ऑफ द सीवर चेंजेस. दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड वेन द डायरेक्शन ऑफ द सीवर लाइन चेंजेस. एंड दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड वेन द सीवर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन दे ज्वाइन टूगेदर. ओके, सो हियर टूडे वी विल टेक द ब्रेक. manhole locations, functions, etc. Again, we will go in our next lecture, that is tomorrow's lecture.